Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today in this video we will discuss about the English language and how can you improve your English speaking. Practice is the power, okay? Practice is the key to learn any language, anything you can learn by practice, okay? Then hamein ye pata hona chahiye ki practice kis pe kare. English aur koi bhi zuban, English ek international language hai aur koi bhi zuban hamari mother tongue. हम कैसे सीखते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं बचपन से, तो हम वो लैंग्वेज सुनते हैं ज़्यादा तो हम सीख जाते हैं. पर बचपन से जो इंसान बड़ा होता है तो उसमें बहुत साल की प्रैक्टिस होती है सुनने की. पर हमारे यहाँ हमने इतनी इंग्लिश सुनी नहीं है, तो हमें वन बिगनिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी. इंग्लिश स्पीकिंग जो है, सुननी लिसनिंग जो है, वो हमें करनी पड़ेगी. और इसके अलावा हमें जो है वोकैबुलरी की इम्पोर्टेंस कितनी है. अगर इसका इंसान के पास If you don't have words, what will you say? How can you convey your message without words? देखिए, एक इंसान के पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और उसको स्टेज पे प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए, भले चाहे उसको कोई भी ज़बान बोल दे दी जाए, भले आप उसको अपनी मदर टंग में बोलें कि कुछ बोले, नहीं बोल पाएगा, बिकॉज ही डजेंट हैव नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. तो पहली बात तो यह है कि इंग्लिश हो या कोई भी ज़बान हो, आपके पास उस जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस अबाउट द टॉपिक यू मस्ट हैव द नॉलेज. ओके, नॉलेज में अब क्या, नॉलेज में क्या होगा, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको उसके अबाउट वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास अल्फाज होने चाहिए कि आपको कहना क्या है. आपके पास अल्फाज नहीं है तो आप कोई भी मैसेज किसी भी लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर सकेंगे. हमारी मदर टंग है जो भी है, उसमें भी मुश्किल अल्फाज होते हैं, हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती है. हमारी मदर टंग ही हमें कंप्लीट नहीं आती. हमारे जो मदर टंग है, हमारे जो लैंग्वेज है जो हमने बचपन से बोली और सुनी है, उनकी काफ़ी ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमें उनको उनकी मीनिंग के लिए हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती है या हमें किसी से पूछना पड़ता है. तो ये तो एक इंटरनेशनल है, फॉरेन लैंग्वेज है. तो फॉरेन लैंग्वेज है जो हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, तो उसके बारे में आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपके पास बहुत सारे अल्फाज होने चाहिए. हम इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, हम इंग्लिश के अल्फाज बोल रहे होते हैं. तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं. पर पहली फर्स्ट मैटर इज़ यू मस्ट लर्न द वोकेबलरी, यू मस्ट डेवलप द वोकेबलरी. आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें, नए नए अल्फाज सीखें. डे बाय डे आप नए अल्फाज सीखेंगे तभी आपके पास जितनी वोकैबुलरी होगी. और अल्फाज सीख के छोड़ के ना दें, उन पे डे बाय डे प्रैक्टिस करें. फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये कहते हैं, देखिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंग्लिश में भी वही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सर को चक्कर आ रहे हैं, तो हम यहाँ इंग्लिश में क्या कहेंगे, माई हेड इज़ सर्कलिंग, या और ऐसे कहेंगे मेरा सर घूम रहा है, माई हेड इज़ रनिंग. ये क्या, ये सिर्फ, ये तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ हो जाएगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश के अपने होते हैं. हर लैंग्वेज के जो बोरल्स होते हैं वो अपने होते हैं. तो उनकी वो चीज़ आपको अलग से वहाँ से सीखनी पड़ेगी. काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं और रीडिंग से भी आपको मिलते हैं, काफ़ी बुक्स आप बुक्स पढ़ें. बुक्स में तो कमाल की चीज़ें लिखी हुई हैं. तो बुक्स के अलावा तो स्टूडेंट की ज़िंदगी नहीं होती. तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश इज़ अ की है. बोला इंग्लिश हमें बहुत कुछ दे सकती है. इंग्लिश की अहमियत जस्ट एक लैंग्वेज है, पर इस लैंग्वेज आपको कहीं आपके करियर में काफ़ी हेल्प कर सकती है. यू कैन लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बाय प्रैक्टिस और ग्रो योर वोकैबुलरी, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. मस्ट लर्न डेली डे बाय डे न्यू वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर डेली लाइफ प्रोनंसिएशन. एंड उसके बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें. सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको मस्ट करनी चाहिए. सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो भी आपको तभी कर सकेंगे जब यू हैव वर्ड्स. आपके पास अल्फाज नहीं होंगे तो आप कोई भी सेंटेंस उस पर लिख नहीं सकेंगे. तो इतना ही आज के लिए. तो मेरे ख्याल से आपको समझ आना चाहिए कि वर्ड्स वोकैबुलरी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वोकैबुलरी आपके पास काफ़ी अल्फाज होने चाहिए. तो वोकैबुलरी के लिए मैं कुछ और करूँगा. फेसबुक पेज है,
और उसका आपको लिंक मिल जाएगी उस पर फेसबुक पेज पे मैं डे बाई डे कुछ ना कुछ दूंगा, तो आप वहाँ से भी वोकैबुलरी उठा सकते हैं। और काफ़ी बुक्स हैं और बुक्स की भी मैं अलग से कभी वीडियो दूंगा कि इंग्लिश इंप्रूव के लिए कौन से बुक चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।